हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल एजे टेक्नो पे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी 2019 में जो अभी 1,03,000 समथिंग फॉर्म निकले थे, तो इस पे सबसे ज़्यादा फॉर्म किस जोन में पड़े हैं और कंपटीशन सबसे ज़्यादा किस जोन में है। टॉप थ्री जो सेफ जोन है और डेंजर जोन जो हैं उन सारी बातें करने वाले हैं इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको जो भी न्यू लेटेस्ट न्यूज़ होगी वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी और आप हमेशा अपडेट रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, देख लेते हैं जो मेरे पास रिकॉर्ड है। ये 12 तारीख को, 12 अप्रैल को जब फॉर्म ग्रुप डी का रात में जब बंद हो गया, उसके बाद जो ऑफिशियसली आया हर अलग अलग जोन का, तो उसको मैंने ओवरऑल एक लिस्ट बना ली। उसके बाद मैं आपको ये डाटा रिकॉर्ड पेश कर रहा हूँ, बल्कि ये एक ऑफिशियली डाटा है, आप उसको चाहे तो चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं किस जोन में कितनी वैकेंसी थी और कहाँ पे कितना फॉर्म पड़ा है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉर्म पड़ा है और कहाँ पे सबसे कम फॉर्म पड़ा हुआ है, इसकी बात कर लेते हैं। तो बात करते हैं RRV मुंबई की, सेंट्रल एंड वेस्टर्न रेलवे। तो यहाँ पे 16 लाख फॉर्म पड़े हैं जो एक बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद हुबली की बात करते हैं तो यहाँ 6,30,000। इलाहाबाद की बात करते हैं तो 8,20,000। जयपुर की बात करते हैं तो 8,30,000। जबलपुर की बात करते हैं तो 4,71,000। हाजीपुर की 5 लाख। भुवनेश्वर की 2,89,000। बिलासपुर की अराउंड 2,48,000। तो ये, उसके बाद चेन्नई की बात करते हैं तो 8,20,000। न्यू दिल्ली की बात करते हैं तो 17,04,000। गोरखपुर की बात करते हैं तो 5,58,000। गुवाहाटी की बात करते हैं तो 3,14,000। कोलकाता, आरआरवी कोलकाता, तो यहाँ की बात करते हैं तो 14 लाख। सिकंदरा की बात करते हैं तो 8,41,000। तो इस तरीके से ये पूरा एक एक RRB का कहाँ पे कितना फॉर्म पड़ा है। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कहाँ किस जोन में सबसे ज़्यादा फॉर्म पड़े हुए हैं और किस जोन में सबसे कम और कहाँ पे कैसा कंपटीशन होने वाला। तो सबसे ज़्यादा हम पहले डेंजर जोन की जो बात करते हैं उसमें देख लेते हैं, तो हमारा सबसे RRB मुंबई भी आ जाता है उसमें। यहाँ से 16 लाख फॉर्म पड़े हुए हैं और न्यू दिल्ली ही भी आ जाता है, 17,40,000 फॉर्म पड़े हैं जो कि सबसे ज़्यादा फॉर्म यहाँ से पड़े हुए हैं। और कोलकाता की बात करते हैं तो ये 14 लाख फॉर्म पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे जो सबसे डेंजर जोन है, ये डेंजर जोन में ये तीन आते हैं। सबसे पहले आता है RRB दिल्ली न्यू दिल्ली, RRB कोलकाता, RRB मुंबई। तो ये तीन जोन हैं जो कि सबसे ज़्यादा कंपटीशन देने वाले हैं, यहाँ की यहाँ पे ज़्यादा सबसे ज़्यादा कंपटीशन होने लगा क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पे फार्म भी पड़े हुए हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि सबसे कम फार्म कहाँ पर पड़े हुए हैं। तो सबसे कम फार्म की अगर बात करें तो यहाँ पे तो भुवनेश्वर की भी आप देख सकते हैं, 2,89,000 सबसे कम फार्म हमको तो यही मिला है अभी तक। उसके बाद फिर बात कर लेते हैं गुवाहाटी को, 3,14,000। उसके ऊपर अगर बात करते हैं तो बिलासपुर सबसे कम 2,48,000। अगर उसके थोड़ा सा ऊपर चलते हैं तो ये जबलपुर आता है, 4,71,000। तो यहाँ पे चार की बात कर लेते हैं, यानी नीचे से चार। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है यहाँ पर बिलासपुर नंबर 1। उसके बाद नंबर 2 पे आ जाता है हमारा भुवनेश्वर। नंबर 3 पे आ जाता है गुवाहाटी और नंबर 4 पे आ जाता है हमारा जबलपुर। तो इस तरीके से जो ये सेफ जोन है, ये चार जोन है, यहाँ पे आपको ज़्यादा फाइट करने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि जो सबसे डेंजर जोन थे RRB मुंबई, RRB न्यू दिल्ली, RRB कोलकाता, तो इन तीन जोन में सबसे ज़्यादा फॉर्म पड़े हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी भी सबसे ज़्यादा थी। तो दोस्तों मैंने भी जो फॉर्म अप्लाई किया है इसका, इस बार फिर से अप्लाई किया है। पिछले बार मैं किसी भी रीज़न की वजह से मेरा पैर में कुछ प्रॉब्लम आ जाने की वजह से मुझे
एग्ज़ाम छोड़ना पड़ा, तो यार इस बार मैं कोलकाता से डाला हूँ, तो वहाँ पे 14 लाख फॉर्म इस बार भी पड़ा हुआ है। तो इस अगर आप सेफ जोन से हैं तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं लेनी, बट ऐसा नहीं कि आपको तैयारी नहीं करनी, तैयारी करनी है, अच्छे से तैयारी करनी है। और अगर आप डेंजर जोन में, तो आपको तो दिन रात एक करके तैयारी करनी है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अगर जय भारत। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी नोटिफिकेशन होगी वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगी। जय हिंद, जय भारत।